हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 13 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द यूएई हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर ADIBF 2019 टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ अप्रैल 2019। यूएई ने घोषणा की है कि भारत अप्रैल 2019 के अंत में आयोजित होने वाले अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले ADIBF 2019 में सम्मानित अतिथि देश होगा। नेक्स्ट, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज वोन ए फिफ्थ टर्म इन ऑफिस। हिज क्लोजेस्ट अपोनेंट पार्टी द ब्लू एंड व्हाइट पार्टी कंसीड डिफीट, क्लियरिंग द पाथ फॉर नेतन्याहू टू सेट अप ए कोलिशन गवर्नमेंट। नेतन्याहू इज नाउ सेट टू बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन इजरायली हिस्ट्री, इवन लॉन्गर देन डेविड बेन गुरियन, द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज इजराइल्स जॉर्ज वाशिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पांचवीं बार चुनाव जीता है। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी पार्टी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और गठबंधन सरकार स्थापित करने के लिए नेतन्याहू के लिए रास्ता साफ कर दिया। नेतन्याहू अब अक्सर इजराइल के जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में वर्णित देश के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की तुलना में अब तक के इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस और टेक न्यूज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाचारों की। द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशन नल रॉकेट इन द वर्ल्ड स्पेस एक्स फैल्कॉन हैवी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल मिशन फ्रॉम फ्लोरिडा इन ए की डेमोन्स्ट्रेशन फॉर बिलियनरीज एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क स्पेस कंपनी इन द रेस टू ग्रेस्प लक्रेटिव मिलिट्री लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स। दुनिया में सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी ने अरबपति उद्यमी एलोन मस्क की कंपनी अंतरिक्ष कंपनी के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन में आकर्षक सैन्य लॉन्च अनुबंधों को प्राप्त करने के लिए फ्लोरिडा से अपना पहला वाणिज्य मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट, गूगल लॉन्च्ड एंथोस, ए न्यू ओपन प्लेटफॉर्म फॉर गूगल क्लाउड दैट लेट्स यूजर्स रन एप्लीकेशंस फ्रॉम एनीवेयर। गूगल ने गूगल क्लाउड से एक नया ओपन प्लेटफॉर्म एंथोस लॉन्च किया है। यह उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज डेकोरेटेड विद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टली, द हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन ऑफ रशिया फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज इन प्रमोटिंग स्पेशियल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। दिस इज द 7th इंटरनेशनल अवार्ड दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन ऑनर्ड विद। भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द
एपोस्टल रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इंडियाज एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दोस्त एजुकेशन वॉन ए $25,000 रुपीज टैग प्राइज अलोंग विद द टू अदर विनर्स फ्रॉम तंजानिया एंड इजिप्ट द नेक्स्ट बिलियन टैग प्राइज 2019 रन बाय यूके बेस्ड वर्की फाउंडेशन रिकॉग्नाइज द मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेस्टिनेड टू हैव ए रेडिकल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इन लो इनकम एंड एमर्जिंग वर्ल्ड कंट्रीज। भारत के शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप दोस्त एजुकेशन ने तंजानिया और मिस्र के दो अन्य विजेताओं के साथ $25,000 का प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता। यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा संचालित नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 विश्व के कम आय और उभरते देशों में शिक्षा पर मौलिक प्रभाव डालने वाली सबसे नवीन प्रौद्योगिकी को मान्यता देता है। नेक्स्ट, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG वाज अवार्डेड द डिस्टिंक्शन ऑफ पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर बाय ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस एट द ग्लोबल वाटर समिट इन लंदन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लंदन में वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के गौरव से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC हैज बैग्ड द प्रेस्टिजियस AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 फॉर आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी टू संजीव सिंह चेयरमैन इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने वर्ष के उत्कृष्ट PSU के लिए प्रतिष्ठित AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 प्राप्त किया है। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचार की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पार्टनर विद गूगल क्लाउड टू बिल्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड सॉल्यूशंस। TCS सॉल्यूशन ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP विल हेल्प एंटरप्राइजेज बिल्ड सिक्योर क्लाउड नेटिव एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म दैट इनेबल हाई लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव इजी टू मेंटेन एंड फ्यूचर रेडी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने उद्योग विशिष्ट क्लाउड सॉल्यूशन बनाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP पर TCS का सॉल्यूशन उद्यमों को सुरक्षित क्लाउड नेटिव एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करेगा जो उच्च स्तर के निजीकरण को सक्षम बनाता है और लागत प्रभावी बनाए रखने में आसान और भविष्य के लिए तैयार है। नेक्स्ट, RBL बैंक हैज पार्टनर विद क्रेडिट प्रोफाइलर क्रेडिट विद्या टू इम्प्रूव द लैंडर्स कस्टमर एक्सपीरियंस। RBL बैंक ने अपने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए क्रेडिट प्रोफाइलर क्रेडिट विद्या के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट, रैंक्स एंड रिपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट्स HDFC बैंक हैज बीन आइडेंटिफाइड एज नंबर 1 बैंक बाई कस्टमर्स इन इंडिया एज पर फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक सर्वे। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस सर्वे फोर्ब्स पार्टनर्स विद मार्केट रिसर्च फर्स्ट फर्म स्टेटिस्टा टू मेजर द बेस्ट बैंक इन 23 कंट्रीज। HDFC बैंक एमर्ज एज इंडियाज नंबर 1 बैंक। ICICI बैंक वाज एट नंबर 2 एंड SBI वाज सुप्रीमली रैंक्ड 11th इन द लिस्ट। फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार HDFC बैंक को भारत में ग्राहकों के द्वारा नंबर 1 के बैंक के रूप में चुना गया है। इस सर्वेक्षण के पहले संस्करण में फोर्ब्स ने 23 देशों के सर्वश्रेष्ठ बैंकों को मापने के लिए मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी किया था। HDFC बैंक भारत के नंबर 1 बैंक के रूप में उभरा है। ICICI बैंक नंबर 2 पर रहा और SBI को आश्चर्यजनक रूप से 11वें स्थान पर रखा गया है। लास्ट न्यूज है स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार की बात की जाए तो द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA हैज साइंड एन MOU विद सर्बियन टेनिस फेडरेशन STF टू ट्रेन इंडियन जूनियर प्लेयर्स अंडर वर्ल्ड रिनोव्ड सर्बियन कोचेज। अखिल भारतीय टेनिस संघ
ने विश्व प्रसिद्ध सर्बियाई कोचों के तहत भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्बियाई टेनिस फेडरेशन एसटीएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी एन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।